इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है फ्रेंड्स, यदि आप किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर कोई पीएफ की कंसल्टेंसी चलाते हैं, आप सभी भाइयों के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आप यूनिफाइड पोर्टल पे अपना बैंक की KYC कर रहे हैं और बार बार रिजेक्ट हो रहा है, कुछ अलग अलग रीजन से रिजेक्ट हो रहा है और सारा कुछ ठीक होने के बाद भी रिजेक्ट हो रहा है, और आपने कई बार ग्रीवेंस भी रजिस्टर्ड कर दिया है, फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, एक पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो अब आप इसके लिए RTI कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना वो लाभ उठाना चाहते हैं ना, तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम अपने यूनिफाइड पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद से मैनेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, KYC वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा KYC हिस्ट्री, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड एंड इनवैलिडेट का ऑप्शन देखने को जाएगा। अब इसमें जितनी भी आपने KYC किया है, अप्रूव्ड हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ, इनवैलिडेट हुआ है, सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पूरी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। अब इनका देख सकते हैं आप, लगातार कई बार बैंक अकाउंट रिजेक्ट हुआ है, 4 बार रिजेक्ट हो चुका है, 1 बार तो दूसरे बैंक का है, बाकी 3 बार इन्होंने सेम बैंक का यहाँ पे KYC किया है। देखिये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया हुआ है, KYC किया हुआ है इन्होंने, IFC कोड यहाँ पे आप मैच करा सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिये, ये सेम रीजन से रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच इन नेम, ये सेम रीजन 3 बार है, और यहाँ पे रिमार्क में भी आप पढ़ सकते हैं, लगातार ये परेशान है, काफी बार इन्होंने किया, हाल ही में 2 जुलाई 2022 को इन्होंने किया हुआ था। अब फ्रेंड्स, इन्होंने ग्रीवेंस भी रजिस्टर्ड किया था, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अब फ्रेंड्स, उसके बाद से आप RTI भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। RTI कैसे रजिस्टर्ड करना है, सबसे पहले गूगल पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है RTI, ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए पोर्टल का, इस पे ही चले जाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से RTI ऑनलाइन पोर्टल ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे इसे हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में भी यूज कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जिसमें आप करना चाहते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफी सारे ऑप्शन। अब यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे सेलेक्ट कर लेना है, अगर यदि हमने पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो। देखिये, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, गाइडलाइंस लिखे हुए हैं, इनको आप भली भांति पढ़ लीजिए अभी। उसके बाद से पढ़ने के बाद आपको चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ जाएगा। देखिए, ऑनलाइन RTI रिक्वेस्ट का फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी में आपको डिटेल्स में सेलेक्ट करना है, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको सेलेक्ट करना है, और जो भी आपकी यदि EPFO से रिलेटेड है तो वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसके अलावा कोई भी इशू है तो आप उन डिपार्टमेंट को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपका डिपार्टमेंट क्या हो सकता है, मैं आपको सजेशन दे दूंगा, या फिर गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि EPFO किस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। अब उसके बाद से सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी में आपको सेलेक्ट कर लेना है EPFO से रिलेटेड है, प्रोविडेंट फंड से, तो वो ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसमें एक एक करके आपको सर्च कर लेना है, ये ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमें ये मिल चुका है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको ही हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स। RTI एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको पर्सनल डिटेल्स में क्या देना है, ईमेल आईडी देना है, इस पे आपका इंफॉर्मेशन आता है, जो भी रिप्लाई वगैरह आता है ईमेल आईडी पे आता है। उसके बाद से मोबाइल नंबर देना है आपको, मैसेज रिसीव के लिए जो भी अलर्ट का मैसेज है वो आपको मोबाइल नंबर पे रिसीव होगा। तो जिस भी एम्प्लॉय का आप कर रहे हैं या फिर खुद का कर रहे हैं, उनका ही आप डिटेल्स एंटर करना है, कंफर्म ईमेल आईडी कर देना है, उनका ही नेम लिखना है, वो मेल है फीमेल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उनका ही एड्रेस लिखना है जिनका आप कर रहे हैं ये पूरा प्रोसेस, पिन कोड यहाँ पे एंटर कर लेना है, अब बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्टेड, अदर है तो अदर कर सकते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि स्टेट आपको मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्टेट सेलेक्ट कर दिया, जैसे उत्तर प्रदेश कर दिया है। अब ये ग्रामीण से है या शहरी से है, तो हम ग्रामीण सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रूरल
सर अर्बन दिया हुआ है। अब उसके बाद से ये पढ़े लिखे नहीं है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और पढ़े लिखे है तो ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भैया ये क्या पढ़ाई इन्होंने किया हुआ है, तो यहाँ पे 12th पास है या फिर 12 से नीचे है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रेजुएट है, एबव ग्रेजुएट है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला ऑप्शन। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे फोन नंबर इनका दे देना है, जो भी फोन नंबर है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे सिटीजन तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी आवेदक है क्या वो गरीबी रेखा से नीचे है, अगर नीचे है तो उनका डिटेल्स यहाँ पे दे देना है, यस कर देना है, और उनका जो भी कार्ड नंबर है और ईयर कब इशू किया गया है, किसके द्वारा इशू किया गया है, वो सारा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। अब यदि नहीं है तो नो कर देना है और आगे बढ़ जाना है। देखिए आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे 10 रुपए ये RTI फी लगेगा, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूरा डिटेल आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो भी इशू है, जिस भी टाइप का इशू है, वो यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है कुछ अंग्रेजी में, आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सर मैं काफी दिनों से परेशान चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है और PF में जमा मेरा ही पैसा मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। पैसे निकालने के लिए मैं UN पोर्टल पर नया बैंक लिंक कर रहा हूँ तो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, नाम मिसमैच लिख करके, जबकि मेरा सब कुछ ठीक है। फिर भी इसके संदर्भ में मैंने ग्रीवेंस लगाया हुआ था, रजिस्टर्ड किया हुआ था, लेकिन मुझे कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला है अभी तक, कृपया आप समाधान करने का कष्ट करें। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया हुआ है, तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके बाद से जो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो भी स्क्रीनशॉट है, वो आपको ले लेना है। जो भी रिजेक्शन का यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है बार बार, इसका ले लेना है। और इसके अलावा आप पासबुक का ले सकते हैं, और इसके अलावा आप अपना प्रोफाइल का भी ले सकते हैं, जहाँ पे पता चलेगा कि यूनिफाइड पोर्टल पे आपका नाम और फादर नाम ये है। तो ये सारा कुछ ले लीजिए और उसके बाद से यहाँ पे चिपका दीजिए। चिपका दीजिए का मतलब है अपलोड कर दीजिए। जैसे कि मैं अपलोड कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो भी PDF फाइल है ये ओपन होकर के आ चुका है। इसमें हमने सबसे पहले लगा लिया है जो भी रिजेक्शन का डिटेल्स है, पिछला रिजेक्शन का डिटेल वो भी लगा लिया है, प्रोफाइल डिटेल्स लगा लिया है, आधार कार्ड लगा लिया है, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैंक दोनों ही लगा लिया है, बैंक पासबुक लगा लिया है। उसके अलावा जितने भी हमने ग्रीवेंस रजिस्टर्ड किया था, रिप्लाई आया था, हमने एक्सीलेट किया था, बाद में रिप्लाई आया था, सब कुछ हमने इस पे अटैच कर दिया है। अब फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है कि 1 MB से जो साइज है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड एंटर कर लेना है। उसके बाद से सबसे नीचे की साइड आ जाएंगे और मेक पेमेंट पे सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप सही में पेमेंट करना चाहते हैं, यस कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा, 10 रुपए का पेमेंट आपको करना है। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए, UPI से आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद से पेमेंट गेटवे पे सेलेक्ट करने के बाद पे कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं और यहाँ पे कार्ड पेमेंट भी आप कर सकते हैं, अदर पेमेंट मोड दिया हुआ है UPI, इससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे UPI पे हम सेलेक्ट कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है VPA, QR कोड, जिससे भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे QR कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, QR कोड स्कैन करके आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे QR कोड आ जाएगा। QR कोड को आप स्कैन करके भी बड़े आसानी से अपने मोबाइल फोन से पेमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे हमने स्कैन कर लिया है और हम पे कर देंगे, देखिए ये पेमेंट होते ही ये अगला प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं मोबाइल फोन से और पेमेंट हो चुका है डन। और फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक ही प्रोसेस आगे हो जाएगा कंफर्मेशन होने के बाद से। अब यहाँ पे कैंसिल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पेमेंट कर दिया है तो यह ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए प्रोसेस हो चुका है और सक्सेस भी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि आपका पेमेंट है वो सफलतापूर्वक सक्सेस हो चुका है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा आपको RTI वाले पोर्टल पे। देखिए यहाँ रीडायरेक्ट कर दिया, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल स्कैन करके पे कर देना है। जैसे आप दुकान वगैरह पे पेमेंट कर देते हैं वैसे ही आप मोबाइल फोन से स्कैन करके पे कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ सारा कुछ दिखा रहा हूँ, ये प्रोसेस हो रहा है। और उसके बाद से लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि आपका योर RTI रिक्वेस्ट फिलेड सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, इससे आप बाद में ट्रैक कर सकते हैं। आपका नाम देखने को मिल जाएगा, 10 रुपए का पेमेंट आपने किया है, 3/7/2022 को आपने ये लगाया है, RTI फिल किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा टेलीफोन नंबर, और यहाँ पे ईमेल आईडी में देखने को मिलेगा नोडल
ऑफिसर्स PIB@EPFOIndia.gov.in। तो आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं, बहुत काम का है, इसमें सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, ट्रैक वगैरह कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखा। अगर पूरा वीडियो देखा है ना तो अब तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे और आपको भी पता चल पाया होगा कि अब इस केसेस में आपको क्या करना है। फिर भी फ्रेंड्स यदि आपने किसी भी पॉइंट को स्किप करके देखा है इसलिए आपका डाउट अभी भी बना हुआ है तो एक बार पूरा वीडियो देख लो जिससे कि बचे हुए डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के बाद अब आपको और क्या लगता है कि और क्या जानना चाहिए था जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।